शेड बनाई है। रुको सबसे पीछे लगाते हैं। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुका अपने कौन न्यू वीडियो के साथ वापस। तो आज तुम्हारा भाई जो गेम प्ले दिखाने वाला, ये क्या होता है कि हमारे बढ़िया किल नहीं निकलते और अपन मर जाते हैं तो वो अपन क्या डिलीट करना पड़ जाता है। तो वही गेम प्ले दिखाएगा तुम्हारा भाई, जो जो हमारे को डिलीट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई सोलो खेल रहा था और वीकेंड ही लगाया था, और यहाँ पे तुम्हारे भाई का फेवरेट होड्रॉप विला, सबका ही होगा विला, आप बता देना जिसका जो भी है। तो फिर यहाँ पे एक बंदा उतरता, अब इसके हाथ में लग जाती शॉटगन, यहाँ पे इसको निपटा देता हूँ मैं फटाफट से। और इसके मतलब देखता हूँ क्या क्या इसके क्रेट में, तो शॉटगन मिलती तभी एक बंदा आ जाता है यहाँ पे बैरल लेके, और वो यहाँ पे मेरे को मारने की ट्राई करता है और यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज देता है। मैं इधर से रिलोड करके जाता हूँ और देखो उसको कैसे बजाते हैं, इसके हेड हेड बजाता हूँ और इसको निपटाते हैं फटाफट से। फिर इसकी क्रेट उलट लूटने लग जाता हूँ और इसकी क्रेट में से उठा लेता हूँ मैं बैरल। M4 नहीं लेता हूँ क्योंकि देख सोचता हूँ कि यार थोड़े यूज किल कर लूँगा मतलब DBS से। तभी यहाँ पे मैं आराम करता रहता हूँ, तभी इधर एक बंदा आता, मतलब हील वील कर लेता हूँ, तभी यहाँ पे एक बंदा आता है। अब मैं इसको इधर से मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन वो अंदर आ जाता है, लेकिन ये बोट होता है, ये बंदा नहीं होता, ये बोट होता है। तो फिर इसको निपटाते हैं फटाफट से, DBS से मार देता हूँ उसको, और इसमें के क्रिएटिव भी से 5 KM और से वो गन तो रहती नहीं मेरे पास 5 की। तो फिर इधर आता तो इस साइड एक बंदा रहता है जो इधर थोड़े बहुत मतलब बोट को मारता है। अब इसको ही बजाते हैं अपन सबसे पहले, इस बंदे को पता नहीं रहता कि मैं आ रहा हूँ। ये होता भाई ईयरफोन सही लगाने से पता चलता है कि बंदा किधर से आ रहा है। तो उसी क्रिएट में से मैं बैरल ले लेता हूँ दूसरा और 6x भी लगा देता। अभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है गाड़ी लेके, और जो यहाँ पे वीकेंडिंग बाइक होता है वो मेरे सामने आके लेट जाता है। अब देखो उसको कैसे बजाते हैं, पता नहीं ये बंदा क्यों फायरिंग नहीं कर रहा था। तो मैं इधर जाता हूँ नीचे की तरफ, एक दो बोट लड़ रहे थे तो इनको निपटाते सबसे पहले। तो अभी देखो सामने की तरफ और यहाँ से भी मेरे को डैमेज कर दिया, बताओ इस बोट को निपटाते अपन इधर। इस बोट को निपटाने के बाद जो ये बंदा रहता है ना, तो ये लेकर आता है एक गाड़ी। तो मैं इस साइड जाता रहता हूँ तो पीछे की तरफ से फुस्टे पाता, मैं देखता हूँ यार कोई बंदा बंदा होगा, तो मैं पीछे की तरफ देखने के लिए जाता हूँ। तभी यहाँ पे एक और बोट रहता तो इसको भी निपटा देते अपन फट सबसे पहले। इसको निपटाने के बाद तो जो बंदे को उस टाइम मारा था मैं, वो लेकर आता है यहाँ पे एक बाइक, और ये रहती वो जो मतलब बर्फ़ में चलती है। तो मैं इसको उठाता हूँ और उधर से खूब तेज भगाता हूँ, क्योंकि यार पहली बार मैं चला रहा था इसको, वो भी वीकेंडी में, और वीकेंडी ही मिलता है। तो इसको यहाँ से भगाता हुआ जा रहा था मैं खूब तेजी में, तभी मेरे को सामने की तरफ दिखता है घरों में एक बंदा। तो मैं यहीं पर रोक देता हूँ, मैं देखता हूँ यार यहीं से मार दूंगा मैं। तभी इस साइड से फुस्टे पाता है राइट की तरफ से, मैं देखता हूँ यार ये तो बोट है, इसको तो आराम से मार देंगे अपन। तभी पता नहीं यार क्या ही है का टाइप का बंदा रहता, तो ये अपन को निपटा देता है। और ये आप जो देख रहे होंगे कि किलफीट मतलब जो ऊपर टॉप आ रही पे देख रहे होगे आप, सोलो स्टार सोलो जो था ये, तो अपन यहाँ पे उतरते हैं। अब इसको तुम्हारा भाई बजाएगा बहुत ही खतरनाक, तो हम यहाँ पे उतरते हैं, क्या बोलते हैं इसका यशाना नाम है जो भी इसका यशाना है। तो हम लोग यहाँ पे उतरते हैं, यहाँ पे मैं लगा रखा था रूनिक पावर, यहाँ पे फटाफट से लूट वूट करते हैं, यहाँ पे हेलमेट वेलमेट ले लेता हूँ मैं, और इधर बंदे बंदे आए हुए थे तो अपन को भी निपटाते हैं अपन। तो यहाँ से मैं इधर लूटता रहता हूँ अपार्टमेंट, तो मेरा टीममेट मार करता कि इस साइड बहुत सारे बंदे हैं तो आ जाओ इनको बजाते हैं। तो एक बंदा मेरे को सामने की तरफ दिखता है नोक पड़ा हुआ, तो मैं इसको इसका किल चुराता हूँ मतलब। इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, ये फिनिश होने वाला रहता है, तो मैं फटाफट से उसके पास जाता हूँ और इसको करेंगे पहले फिनिश। और ये जो है ना यार ये जो पावर वाला ये एक ही साइड मेरा वो हो गया था। तभी इधर एक बंदा आता है तो मेरा टीममेट इसको निपटा देता है और मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। और ये जो पावर वाला ना ये मेरा मतलब कंट्रोल में मतलब हट ही नहीं रहता, एक ही साइड था और ये मैं बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बहुत बार कंट्रोल कर लिया था तब भी नहीं हुआ था। तभी मैं इधर आता हूँ, तभी यहाँ पे एक बोट होता है, इस बोट को मैं निपटाते हैं अपन, तो इस बोट को निपटाता हूँ। तभी सामने की तरफ एक बंदा होता है UMP वाला जो भर भर के बंदे निपटाता मैं, तो उसको मैं ढूंढने के लिए इस साइड में आता हूँ। तभी मेरे को वहाँ पे मतलब दिखता नहीं उस टाइम, तो मैं सोचता हूँ घर के अंदर होगा, तो मैं इधर जाता हूँ, तभी मेरे को डैमेज करता हूँ। अब देखो इसको कैसे बजाते हैं, ये पता नहीं शायद डैमेज में था। ये बंदा रहता है जो भाई बहुत ज़्यादा फैलता है, और जो मेरे साथ बंदा खेलता था इसको लग रहा था कि भाई मैं हेक यूज़ कर रहा हूँ, और तुम्हारा भाई खेलता ही इतना खतरनाक तो यार लगता है। तो मैं यहाँ पे गाड़ी लेता हूँ, उस अपने टीममेट को बैठाता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपार्टमेंट। अब यहाँ पे अपार्टमेंट के बाद सामने तरफ मेरे को बंदा दिखता है, अब ये मोड की वजह से तो भाई पता नहीं चलता, वो जब वो चालू हो जाता तो उसके वजह से पता नहीं चलता कि उसको बंदे की पड़ रही। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, ये अंदर में जाने की ट्राई करता है, इसको मैं नॉक कर देता हूँ। और इस घर में भी रहता है बंदा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर कवर लेता हूँ जब तक उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। मैं फिर अंदर की तरफ जाता हूँ, मेरा टीममेट भी आ जाता है मेरे साथ में, तो मैं जल्दी से अंदर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे उस बंदे को देखते रहता हूँ कहाँ पर है। तो मैं जैसे ऊपर की तरफ आता हूँ बंदा क्या करता है नीचे कूद जाता है और मेन बिल्डिंग में चला जाता है। फिर मैं फटाफट से मेन बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ मैं, और मेन बिल्डिंग में पहले से एक बंदा रहता तब ये इधर से कूदता है। आप देखो उसको कैसे बजाते हैं, उसको तो निपटा देता हूँ फटाफट से। और यहाँ पे एक बग्गी आ जाती है सामने वाले घर में, अब ये बंदा रहता ऊपर जो भाई क्या ही यहाँ पे कवर बना रखा था। सबसे पहले यहाँ पे नेट कुक कर लेता हूँ मैं,
क्योंकि यहाँ पे एक खिड़की में एक एंगल मिलता है, यहाँ से चल जाता है नेट। ये रहा, अभी यहाँ से मैं नेट डाल देता हूँ और शायद वो डैमेज हुआ है कि नहीं। तो तभी मैं देखता हूँ यार ऊपर की तरफ वो शील्ड बना रखा, तो एक शील्ड टूट जाता है, तभी मैं रश कर देता हूँ उसके ऊपर, वो एक और शील्ड बना देता हूँ वहाँ पे। अब देखो तुम्हारा भाई ये शील्ड को घूसे से तोड़ के क्या ही मारेगा उसको। अगर अच्छा लगे तो भाई वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। ये तोड़ता है और वो एक और शील्ड बनाता रहता है, वो मेरे को मारने की ट्राई नहीं करता, वो शील्ड बनाता है वहाँ पे। अब देखो वो जब तक शील्ड बनाता है उसका तो मैं क्रियाक्रम कर देता हूँ, वो मेरे टीममेट को लगता है भाई हैकर है। नहीं, मैं फटाफट से नीचे की तरफ जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार यहाँ पे बोट मतलब बंदा आ गया था, वो सोलो जो भी था वो स्टार वाला बंदा आ चुका था, वो ग्लेशियर वाला, उसके बाद ग्लेशियर मेक्स होती बंदे के पास। तो मैं इस साइड आता हूँ और यहाँ पे एक बोट रहता, तो इस बोट को निपटाते सबसे पहले। तो इस बोट को निपटाने के बाद और ये देखो स्टार भाई यही बंदा रहता है। तो यहाँ पे अपार्टमेंट वो आ चुका था, फिर यहाँ पे आता हूँ मैं, एक और बोट निपटा देता हूँ मैं, और वो जो ग्लेशियर वाला बंदा था वो यहाँ पे अपार्टमेंट आ चुका था, तो वो राइट वाली बिल्डिंग में था। अब देखो सूखे से बजाते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले मेन बिल्डिंग जाता हूँ और थोड़ी सी 5 KM उठी थी, मैं 5 KM उठा, तो तभी मेरे को एक बंदा दिखता है, इसका टीममेट रहता है जो छत के ऊपर रहता था, इसको बजाते हैं सबसे पहले। नीचे कूदता है, इसको मैं नॉक कर देता हूँ और उसको करता हूँ तुरंत फिनिश। कैसा लग रहा भाई कि मेरा ग्लेशियर मतलब लेवल 2 हो रखा है, तो वो तो कर देंगे अपन बाद में। तो फिर मैं यहाँ से फटाफट से एक बंदा रहता वही जो भी स्टार नाम था उसका जो भी, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे रश कर देता हूँ फटाफट से, और वो सामने की तरफ होता है और यहाँ पे 2 बंदे रश करते, तो वो क्या करता है सबसे ऊपर तो छत के ऊपर रहता है वो, मतलब इस बिल्डिंग के छत के ऊपर रहता है, लेकिन वो नीचे कूद जाता है। अब नीचे कूद जाता है तो मेरे को आवाज़ आती है, मैं सामने की तरफ जाता हूँ, मैं इधर से कूदूंगा तो मैं मुझे पता था पीलूंगा, तो मैं इधर से राइट की तरफ से जाता हूँ। अब देखो इसको कैसे बजाते हैं, और यही बंदा रहता है वो जो भी मतलब स्टार शो जो भी नाम था उसका, ये रहता है ग्लेशियर खूब चमकाता रहता है। तो मेरा टीममेट बोलता है यहाँ पे इमोट करने, तो इमोट इमोट करके चिढ़ाते उसको। तभी यहाँ पे एक बोट आ जाता है, तो फिर इस बोट को निपटा देते अपन, और यहाँ पे बोट को निपटाने के बाद यहाँ से अपन लेता हूँ गाड़ी और अपने टीममेट को बैठाता हूँ। और क्योंकि अभी मेरे उतने ज़्यादा किल नहीं थे, बंदे भी ज़्यादा नहीं बचे थे, तो अपन को यहाँ पे थोड़े बहुत किल विल करने पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो 11 किल वैसे ही बहुत होते, लेकिन थोड़े और ज़्यादा किल करने हैं और अपन को चिकन डिनर करना है। तो फिर यहाँ से अपन निकल लेते गाड़ी लेके, बंदे बंदे ढूंढते, और यहाँ पे 9 तक मतलब ये मिलते तक आ जाते बंदे ढूंढने, लेकिन बंदे मिलते नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे गाड़ी चेंज कर लेता हूँ, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तू अलग तरफ बंदे ढूंढो, मैं अलग तरफ जाता हूँ, तू मेरे को बंदे दिखे तो रश मत करना, पहले मेरे को बताना। तो मैं इस साइड में आता हूँ और यहाँ पे मेरे को दिखता है बंदा। अब मेरे टीममेट को बोल देता हूँ मैं कि भाई भाई मेरे पास बंदे हैं फटाफट आ जाओ। यहाँ पे रहता शायद एक बंदा जो छत के ऊपर रहता है, मैं उसका कवर लेते लेते ऊपर की तरफ जाता हूँ, और ये देख सकते हो आप, ये पता नहीं कहाँ कहाँ बन रही है वहाँ पे, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं मतलब इधर उधर देखता हूँ मैं। फिर वो बंदा छत के ऊपर रहता है, तो मैं देखता हूँ मेरा टीममेट आ गया, तो मैं फटाफट से इसके ऊपर रश कर देता हूँ, और उस बंदे का ध्यान मेरे टीममेट के ऊपर रहता है। अब देखो इसको कैसे बजाते हैं, मैं इसको निपटा देता हूँ मैं फटाफट से, और इसी क्रेट से थोड़ी बहुत लूट करते, लेकिन इसी क्रेट जाके बनती पीछे के साइड, मतलब यहाँ से गिर जाती है। तो फिर मैं इसको क्रेट फटाफट से लूटेंगे अपन तो, और थोड़ी बहुत नेमो भी चाहिए था, उसके बाद लेवल 3 हेलमेट वेस्ट भी मिल जाता, तो यहाँ पे ले लेते अपन। ये तो ATX लेता नहीं मैं, और वो भाई बंदा चला क्या रहा था मिनी और AWM। तो मेरे टीममेट को बोलता हूँ भाई ले ले तू AWM, तो मेरा टीममेट यहाँ से AWM ले लेता, और यहाँ से मैं बग्गी लेता हूँ और उसको बोलता हूँ अपनी बग्गी में जाओ और बंदे ढूंढ। फिर यहाँ से मैं मतलब कोचिंग की तरफ जाता हूँ, बंदे नहीं मिलते, तो ये मेरा टीममेट मार करता है कि यहाँ पे स्कूल में बंदे, तो मैं फटाफट से स्कूल में आता हूँ, मैं देखता हूँ यार कोई बंदे तो है नहीं स्कूल में, और ये देख सकते हो ये खुद व खुद चालू हो जाता है, मतलब ऐसी जगह पे ना मतलब टच हो जाता है वहाँ पे। तो फिर इसके अंदर आता हूँ मैं फटाफट से और देखता हूँ यार, यहाँ पे आते मेरे को पुष्टि पा जाती है हाँ यार बंदे तो हैं, और यहाँ पे 1-2 बंदे नहीं तो यहाँ पे तो भर भर के बंदे, और यहाँ पे बंदे और अलग से भी आ जाते, तो इनकी भी बहुत जल्दी बहुत गंदी फाइट होने वाली। तो देखो भाई ये सब क्या ही कैंपिंग बिछा रखे थे। मैं सबसे पहले ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ भाई पूरे 3-4 बंदे की पुष्टि पा रही, तो मैं देखता हूँ यार नेड करूँ कि नहीं करूँ। तो मेरा टीममेट उधर से नेड करता, तो मैं इधर आके यहाँ पे सोचता हूँ इधर से जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ क्योंकि इधर से बग्गी आ जाती है। और मेरा टीममेट क्या करता है, एक को यहाँ पे नोक कर देता है जो बाहर से आता, तो मेरा तो दिमाग काम करता है, तो मैं पीछे से जाता हूँ और उसके ऊपर रश कर देता हूँ जो नीचे की तरफ रहता है। मेरा टीममेट जैसे ही बताता हूँ वहाँ पे नो करता, मैं पीछे की तरफ से चल जाता हूँ उसको निपटाने के लिए, और वो कवर ओवर बना लेते हैं बढ़िया सा, और ऊपर नीचे की तरफ 2 बंदे रहते हैं, उनमें से एक मेरा टीममेट नोक कर देता है और यहाँ पे एक ही बचा, तो मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ। और मैं देखता हूँ इसके पीछे हुआ क्या पता, ये जो भी ट्रक वगैरह कहने इसके पीछे हुआ, लेकिन मैं इधर से देखने के लिए जाता पहले उसको कि ये यहाँ पे बना तो यहीं पर होगा बंदा आसपास, तो यहाँ पे वो बंदा रहता नहीं है, वो बंदा यहाँ पे स्मोक के अंदर रहता है लेकिन मेरे को दिखता नहीं उस टाइम। तो फिर मैं इधर से जाता हूँ उस बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ, कुछ तो आ जाते लेकिन ऊपर ही बंदे थे तो उनका भी कवर लेना था। तो मैं जैसे यहाँ पे नेट कुक करता हूँ बंदा स्मोक का सॉरी, तो फिर यहाँ पे मैं अंदर की तरफ आता हूँ मैं, तभी वो बंदा मतलब गिली सूट वाला रहता है वो अंदर की तरफ आता है। देखो कैसे बचाते इसको, इस बंदे को पता नहीं चल रहा था कहाँ से पड़े थे, इसको नॉक करता हूँ फटाफट से, फिनिश करेंगे तुरंत ही।
फिनिश करते तो मेरे टीममेट के ऊपर हो जाती है रश। मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ और फटाफट से अपने टीममेट के ऊपर जाता हूँ, जब तक मेरे टीममेट एक को और यहाँ पे नोक निकाल लेता है वो, लेकिन दूसरा बंदा उसको नोक कर देता है। अब उसको नोक कर दिया, मैं ऊपर से कूदता हूँ और देखो हेड मारता हूँ, लेकिन भाई बंदा मरता नहीं है। मैं फटाफट से रिलोड करता हूँ, मेरे टीममेट को वहाँ पे फिनिश भी कर देता है। फिर अब इसको निपटाते, इधर से एंगल था पूरा। इसको निपटाने के बाद इसके क्रिएटिव लूट लूटते हैं यहाँ पे जितने बंदे थे। फिर क्रिएटिव लूट मतलब क्रिएटिव लूट लूटने के बाद यहाँ से निकलते हैं अपन, क्योंकि बंदे पांच ही बंदे बचे हुए थे। मेरे को लगता है मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है, आपको भी दिख गया होगा, तो छोटा सा दिखा था मेरे को, हेक वेक नहीं है वैसे। तो फिर मैं फटाफट से जाता हूँ और उस बंदे के पास जाता हूँ उसको निपटाने के लिए। और यहाँ पे जोन भी आ गया था, तो बंदे को जोन में तो आना था, तो फिर मैं यहाँ पर उतरता हूँ। अब देखो वो खुद ब खुद टच हो जाता है और यहाँ पे शील्ड बन जाता है, जो मैं कर नहीं रहता क्योंकि ऐसी जगह पे था वो चेंज भी नहीं होता। यहाँ पे एक ही बंदर तो इसको निपटाता हूँ मैं, और यहाँ से गाड़ी लेते हैं। कैसे स्पॉट कर लिया? और मेरा टीममेट को लग रहा है भाई मैं हेक यूज़ कर रहा हूँ, ये स्किल चला रहा हूँ, ये फला दिला तो हेक यूज़ करता था, अभी तक तो बेन भी होता। फिर मैं यहाँ पे गाड़ी लेकर आता हूँ, यहाँ पे होते दो बंदे, और यहाँ पे जो तुम्हारा भाई हगने वाला है हद है। और ये तो भाई क्या ही हग रहा है, ये तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। यहाँ पे सामने की तरफ बंदा आता है और मेरे हाथ में नेड आता है, इसके वजह से वो कवर में चल जाता है और पीछे की तरफ से आता है। अब देखो ग्लेशियर पता नहीं हर जगह ऐसे लगता है, हर जगह डैमेज हो रहा था, अभी वो इधर से आता है। यहाँ पे मैं एक को नॉक कर देता हूँ और मेरा पिंग देखना बस। यहाँ पे मैं दूसरे को मारने की ट्राई करता हूँ पूरी, कोई बंदा इधर से आ रहा था और मैं डैमेज भी देख रहा हूँ कितना ज़्यादा हो गया। वो बंदा यहाँ से आता, वो क्लियर में इसको हेड वेड दबा देता हूँ। अब एकदम से मेरा एम उस साइड चल जाता है, पता नहीं क्या गिलीज था, शायद मेरा पिंग आया था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगे उसे कमेंट कर दो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।